सो गाइस आज फाइनली टूर जो है वो देहरादून से हरिद्वार आ जाएंगे हम बस से। सो फिलहाल जो है हम ई रिक्शा पे बैठ चुके हैं, तो ये रही यार क्या सामने वाला पहाड़ बिल्कुल। तो फिलहाल अभी हम ई रिक्शा पे बैठ चुके हैं गाइस, ई रिक्शा से अभी हम जा रहे हैं मेन मार्केट, देन फिर वहाँ से हम बस पकड़ेंगे, देन गाइस फिर सीधा निकलेंगे हम ISBT, देन गाइस ISBT से फिर हम सीधा निकलेंगे हरिद्वार के लिए। आज की जो टूर्स है वो हमारी देहरादून से हरिद्वार की ट्रिप है, इसमें मैं सारे कवर करने की कोशिश करूँगा कि भाई कितने कितने फेयर्स हैं, कितने किलोमीटर्स हैं, तो मोस्टली जो भी प्लेस होंगे वो हम कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अभी नहीं आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो है हम ISBT पहुंच चुके हैं, बीटे का बॉस फ्रॉम द लोकल मार्केट, मतलब अपने नियरेस्ट मार्केट से हमने बस पकड़ी थी। इस समय टाइमिंग हो रही है 11:30 के आसपास, एंड सो मच दिस कटियर एंड दिस इज द ISBT देहरादून। फिलहाल अब यहाँ से बस लेते हैं हरिद्वार के लिए, देन फेयर चार्जेस भी बताएंगे कितने चार्जेस लगती है हरिद्वार के यहाँ से देहरादून से। इस समय दोपहर के आप चेकआउट कर सकते हैं 12 बजने वाले हैं, एंड अभी हम इस समय ISBT देहरादून है, और यहाँ पे हम भी बस का पता कर रहे थे कि भाई हरिद्वार के लिए हमें बस कहाँ से मिलेगी, तो अभी आउटसाइड से भी मिलेगी और फिलहाल जो है यहाँ पे भी लगी हुई है, बट अभी देखते हैं कहाँ से अपने को कैरी करनी है। फिलहाल जो है अभी आराध्या वगैरह उधर बैठी हैं, एक्चुअल में आज हम बाइक से नहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में हम चार लोग हैं, तो चार लोग बाइक से नहीं सफ़र कर सकते, तो इसलिए आज हमने जो है बस सर्विस, बस रूट जो है हमने सेलेक्ट किया गाइस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली है क्योंकि गाइस हम जा रहे हैं सीधा हरिद्वार। फिलहाल जो है हम देहरादून ISBT से निकल चुके हैं, पहला टोल टैक्स, एंड आपको किराए की बात करें तो गाइस पर हेड जो है 120 रुपीज़ चार्ज की जाएगी, एंड अगर चिल्ड्रेन है तो हाफ टिकट आपका लगने वाला है गाइस। और कुल मिला के देहरादून से हरिद्वार जो है वो 63 किलोमीटर्स आपको पड़ता है, जिसमें 120 रुपीज़ जो है आपको चार्ज की जाती है पर हेड, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टोल टैक्स, एंड अभी फर्स्ट टोल हम क्रॉस कर रहे हैं, आगे कोई टोल शायद आई थिंक सो नहीं होने वाला है। देन गाइस सीधा हरिद्वार, और हरिद्वार भी हम हरकी पौड़ी पे उतरने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो आपको वीडियो पर सब कुछ दिखाएंगे आपको। फाइनली वी रीच एट द हरिद्वार, तो हम बस से उतर चुके हैं, एंड अभी टू वर्ड्स द हरकी पौड़ी अभी हम जा रहे हैं, और साइड अपोजिट से धूप आ रही है इसलिए आपको क्लियर फोटोज़ नहीं मिल पा रहा है। सो फाइनली गाइज वी रीच एट द हरकी पौड़ी, रिकॉर्ड करना भाई क्या भीड़ है यार, सीन देखो भीड़ भाई साहब, आराध्या ने ले लिया एक डब्बा सा पानी भरने के लिए, गंगा जी ले जाएंगे यहाँ से। तो फिलहाल भाई साहब चेकआउट दर्श, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा बस। दोस्तों हरकी पौड़ी में स्नान हो गए हमारे, चलो फिलहाल टाइम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो फिलहाल आज साई चंडी देवी का प्लान नहीं हो पाएगा, देखते हैं हमें फिलहाल अगर प्लान बनता है तो जाएंगे, अदरवाइज भाई बहुत ज़्यादा क्रेजी सीन्स था भाई, तो बहुत ज़्यादा, एंड चेकआउट करना गाइस ये, ठीक है कैसा लग रहा है, एंड आवर फैमिली दिखा जाना टीका दिवा रहे ये नंदा चाचू आगे आपके भी है। हरकी पौड़ी जो है ना आप एक पवित्र स्थल है और तीर्थ स्थल है, तो गाइज यहाँ पे अगर आप हरिद्वार साइड आते हैं ना तो आप यहाँ से चंडी देवी जा सकते हैं और नियरेस्ट अबाउट मानसा देवी जा सकते हैं। हम हैं इस समय हरकी पौड़ी पे, कितनी ज़्यादा भीड़ है,
और यहाँ पे ना दोनों साइड ना नहाने की व्यवस्था करी गई है पूरी सेफ्टी के साथ। मैं आपको क्लोज व्यू से दिखाता हूँ। इसलिए हो सकती है कि ज़्यादा भीड़ हो, बट तो हमारी तो भाई साहब स्नान विस्नान हो गई, दर्शन वर्शन हो चुके हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं सीधा, शायद अब वापस ही होंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। चंडी देवी जाने का प्लान था बट इट्स नॉट पॉसिबल साइड, तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है प्लानिंग। आज की टूर यहीं कंप्लीट करते हैं। अभी हर की पौड़ी हम पूरा घूम चुके हैं, नहा धो के स्नान कर चुके हैं, अभी ना वापस जाने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 4 बजने को आए हैं। तो फिलहाल हमने दूर से ही आपको दिखा दिया गाइस मानसा देवी कहाँ पे, चंडी देवी कहाँ पे। कभी भी आप हर की पौड़ी साइड में अगर आप आए ना तो थोड़ा सा टाइम लेके आए ताकि आप अच्छे तरह से घूम सके। एक्चुअल में सुबह थोड़ा सा लेट हो गए थे, फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, इस कारण से बहुत ज़्यादा हम जो है ना हर की पौड़ी लेट आ पाए। हर की पौड़ी मेन था हमारा, तो हम स्नान करके दर्शन वर्शन सब कुछ कर लिए एंड चंडी देवी भी जाना इम्पोर्टेंट था। बट नेक्स्ट टाइम जब फिर बाइक से आएंगे फुल मोटो ब्लॉगिंग करके तब हम फिर करेंगे। फिलहाल जो है हम आ चुके हैं मेन रोड में, तो यहीं से पकड़नी अपने को बस देहरादून के लिए वापस। देखते हैं कितना समय लगता है, फिलहाल भूख भी बहुत तेज लगी है, कहीं खाने पीने की व्यवस्था भी तो है बट हम खुद घर के लेके आ रखे तो सोचते हैं बस में बैठेंगे तभी खा लेंगे गाइस। फिलहाल वेट करते हैं बस का। जैसे आप हर की पौड़ी के जस्ट अपोजिट साइड में आएंगे ना जहाँ पे मेन गंगा रिवर जो है बह रहा है, तो अभी आप यहाँ पे चेक करना भाई साहब, ये देखो गंगा रिवर, और ये देखो बिल्कुल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना उसके लेवल पे पानी है, जिसकी फ्लो आप चेकआउट करना। इतनी तेज़ बहाव पे बह रही है गाइस, बहुत तेज़ बहाव है। एंड गाइस इवन आप दिखाओ मैं आपको, तो देखो ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना, तो पानी का लेवल ना वहाँ ऊपर तक था, अभी पता नहीं कब डाउन हुआ है, पूरा ऊपर तक बालू भरा हुआ है। एंड फिलहाल चेक आउट दैट सीन, दिस इज़ द मेन रिवर, और जो हम हर की पौड़ी साइड में जिसमें हम स्नान करते हैं ना वो डाइवर्ट की गई है स्पेशली, जो है ना वो बनाया गया है तीर्थयात्री के लिए, जो वो मतलब गंगा स्नान करना चाहते हैं ना उनके लिए जो है ना स्पेशली बनाया गया। ये जो है ना ये मेन है, मतलब जो आप देख रहे हो ना ये पूरा एरिया वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया जो कवर कर रखा है ये मेन गंगा रिवर है। एंड इसको ना डाइवर्ट करके ना हर की पौड़ी बनाया गया, जिसमें एक VIP अलग से है और बाकी नॉर्मल लोग के लिए अलग से है। सो गाइज मैं तो ऐसे घूमते फिरते यहाँ आ गया था, चेक आउट दैट सीन। और ये ना काफ़ी ऊंची है, 10-12 फीट ऊंची है जहाँ पे मैं अभी नीचे गया था ना। एंड ये देखो गाइज यहाँ तक बालू आ रखे, मतलब इतना, इसका मतलब ये ताज़ा ताज़ा देखो अभी गीला है, ताज़ा ताज़ा गीला है, यानी इसका मतलब है कि पानी यहाँ तक था, इतना ऊपर तक पानी बह रहा था फिलहाल। एंड पता नहीं क्या है इस साइड में, फिलहाल तो डॉग ही डॉग है, यहाँ पे देखो इतने सारे डॉग आ गए यहाँ पे। एंड फिलहाल गाइज टाइमिंग इज़ टू लेट, और इस समय ना आप चेकआउट करो गाइज 4:04 हो चुके हैं। सो फिलहाल जो है ना हमने सीधा प्लानिंग किया कि वापस बैक टू होम करेंगे, बाकी चंडी देवी नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे घूमने का ना। फाइनली हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं बस स्टॉप, एक्चुअल में रेलवे स्टेशन गए थे बट अभी एक घंटा लेट था ट्रेन, सॉरी लेट नहीं था, एक घंटे बाद ट्रेन था, तो हम फिलहाल जो है ना हरिद्वार बस स्टॉप पे पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल बस देख रहे हैं देहरादून के लिए, और यहाँ से अगर बस मिलती है ना गाइस देन सीधे निकलने वाले हैं घर के लिए।